नाबालिग लड़की को भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी कार्रवाई न होने पर आज पूर्वांचल समाज एकता मंच के अध्यक्ष दर्शन यादव की अध्यक्षता में पुलिस उप अधीक्षक प्रतीक मिल को ज्ञापन दिया गया और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। जिसके अंदर सहयोग भी कुछ लोगों को उसकी बैंक फोन को बनाया गया है, उसकी देख रेख में सारा कुछ हुआ है। इन्वेस्टिगेशन सही मायने में गलत हाथों में, हमारा ये मानना कमजोर हाथों में। इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होती तो कहीं ना कहीं नजदीक हो चुकी। ये भी बालिक लड़की होती तो चलो कोई बात नहीं, हम भी कह देते कि कोई बात नहीं थी, नाबालिग बच्ची है, बड़ा महत्वपूर्ण। इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि पूरी सगे सही तरीके से थोड़ा सा भी प्रयास करती, इसकी बहन से जो है इस लड़के के लिए इसकी मुलाकात होती है, बच्ची को नाबालिग बच्ची को गुलाब सरा के ले जाता है, उसको बुला के अब तक पूछा नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कुछ नहीं पूछा। हम सट्टाई का मतलब ये नहीं कहते, सब पुलिस के पास एंगल होते हैं पूछताछ के, पूछताछ का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बात नतीजे के नजदीक होती, हम ये कहते हैं। और ये तय है कि भगैया का मामला न्याय देना ऐसा नहीं है, पहले भी आए थे तो साथ चलाता है, ठीक है, हम सबसे पूछताछ कर भी चुके हैं, सीडीआर निकाली थी, उसमें कुछ मिला नहीं, ठीक है। उसके पिता को भी कहा था कि आपको कोई लगे नहीं बात तो बिल्कुल साझा कीजिए, आप हमारे ऊपर तो विश्वास है नहीं, इनको जो जांच करने वाला है बिल्कुल ही समझ लो जो हाथ कमजोर है। अब वो मोहल्ले में हम तो बता रहे हैं कि शादी से उनके घर वालों का पूरा फैमिली का हाथ है, हालांकि एक बैंक का नाम दे रखे हैं, उसकी माँ का, उसका बहू का, उसका बड़े वाला भाई का, सब उसके पिताजी महावीर नाम है, हालांकि फैमिली का हाथ है। जब कल भी ये सूचना मेरे को मिला है, वो कह रही है उसके लड़की मुँह से अपने आप उगल रही है किसी औरत के पास में, जो हम तो अभी क्यों बुलाएंगे, हम तो रखे हैं छुपा के, हमारे को सुना रहे हैं वो, हम रखे हैं रखे हैं, अगर देख बच्चे हो जाएंगे जब हमें डेढ़ साल बाद इस मसले में साफ हमारा समाज का एक सामाजिक ढांचा है, कानून अपनी जगह काम करता है, कानूनी बात नहीं करे तो बच्ची एक्चुअल में 17 साल की पता तो नाबालिग बच्ची, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। और आपसे हमारे ये विनम्र उनसे हमारी बात हुई, मैंने कहा भी था साहब की उसकी जो सिस्टर है ना उसको बुलाइए, आपको उससे थोड़ा कड़ाई से यानी पुलिस वाले लोग आपसे थोड़ा पूछे ऐसी बात नहीं है, पूछने बुला के कर चुके हैं, उसका जो दोस्त है ऑटो रिक्शा वाला उसको बुला लिया है, सीडीआर भी कर रहे हैं, नहीं करना होता तो देखिए सब प्रक्रिया क्यों अपनाते हैं साहब, आपने अपनाई लेकिन अभी तक क्या है कि रिजल्ट इसका तो कुछ नहीं मिला। अब हमारा ये कहना है साहब, दूसरी बार कह रहे हैं हम इस विषय में नहीं जाना चाहते, हम ये कहते हैं कि बाबू को जानो चाहिए, हम भाषा में कह रहे हैं ये बच्ची बरामद होनी चाहिए, चाहे इन्वेस्टिगेशन पहले वाला आईओ करे, चाहे आप बदलें, चाहे कुछ करें, आप सर्किल सीईओ हैं, आपसे बस हमारा ये मेरी बात में याद दिलाए, कम से कम बच्ची सामने तो आए, कम से कम संतुष्टि तो आ गई, बात तो आ गई, और हम तो चाहते नहीं साहब अन्यथा पत्रकार बोलते हैं। सूत्रगढ़ सिटी थाने का सवाल एक मामला है जो 4 मई को एक हमारे साथी है राधा राम जी की एक नाबालिग बच्ची है, वो मात्र 16.5 साल 17 साल की बच्ची थी, जिसको दीपक नाम का व्यक्ति मैं उसके सहयोग अभियुक्त कुछ लोग गुलाबू चला के बच्ची को उस गुलाबू चला के यहाँ से ले गए, और ले जाने के बाद में 206 पब्लिक 24 नंबर सिटी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, और मुकदमा दर्ज होने के बाद आज तक के पुलिस के इस मुकदमे के इन्वेस्टिगेशन अधिकारी यहाँ के सीईओ यहाँ के एसएचओ इस मुकदमे के प्रति गंभीर नहीं है, और इन्होंने मुलजिमानों से साठगांठ कर ली है, और परिवादी बार बार पुलिस के चक्कर लगा रहा है, और उल्टा परिवादी को न्याय नहीं दिला के आज तक बच्ची को बरामद नहीं किया, न उनसे सही तरीके से पूछताछ की है, और उल्टा परिवादियों को धमकाने का काम किया जा रहा है, और कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई इतने कम समय में नहीं होती, आराम से करेंगे, जैसी होगी वैसे करेंगे। तो आज हमने इसको लेके सर्किल सीईओ प्रतीक मिल को एक लिखित ज्ञापन पूर्वाचल समाज के लेटर पैड में दिया है, और इनको खुली चेतावनी स्वरूप कहा है कि ये मामला जो है ये सही मायने में आईपीसी की धारा 363 का है, और जिसके अंदर ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बच्ची को तुरंत मतलब क्या है कि बरामद करें, और मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई करें, अगर समय रहते 2 दिन में कार्रवाई नहीं की जाती तो इस डिप्टी दफ्तर के सामने धरना लगाया जाएगा, और उस टाइम तक ये आंदोलन जारी रखा जाएगा जब तक बच्ची को जब तक बरामद नहीं किया जाता।